नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि खालिस्तान की मांग करने वाले उन तमाम लोगों को संसद में आकर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए, खालिस्तान राष्ट्र का जयकारा लगाना चाहिए। क्योंकि जब संसद में हिंदू राष्ट्र जैसे देशद्रोही शब्द का जयकारा लगाया जा सकता है, वो भी प्रधानमंत्री के सामने, और प्रधानमंत्री के तमाम समर्थक इस राष्ट्र के मांग पर तालियां बजा रहे हो, तो मुझे लगता है कि खालिस्तान राष्ट्र के मांग पर भी संसद में तालियां गूंजनी चाहिए। यदि धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र की मांग सही है, तो फिर धर्म के आधार पर खालिस्तान राष्ट्र का मांग गलत कैसे? दोस्तों, संसद में जय श्री राम हिंदू राष्ट्र जैसे तमाम धार्मिक नारे लगाने वाले उन तमाम नेताओं को संसद से बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर इन पर बैन लगा देना चाहिए। अगर नहीं तो फिर संसद को ही जमींदोज कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अरे, ऐसा संसद का क्या करेंगे जिसमें न संविधान की बात हो रही हो, न लोकतंत्र की बात हो रही हो, न लोगों के मुद्दों की बात हो रही हो। अरे, संसद ऐसा होना चाहिए जिसमें जयकारा संविधान निर्माताओं का लगना चाहिए, देश को आजाद कराने वालों का लगना चाहिए, ना कि देशद्रोहियों का। लेकिन नहीं, अब तो संसद में देशद्रोहियों के नारे लगाए जा रहे हैं, उन देशद्रोहियों का जिन्होंने देश की आजादी में कभी हिस्सा ही नहीं लिया, जिसने संविधान को कभी माना ही नहीं, जैसे कि हेडगेवार। और ऐसे धर्म के आधार पर ऐसे राष्ट्र की मांग की जा रही है, जिस राष्ट्र के मांग पर देश के 90% लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचता हो, यानी हिंदू राष्ट्र की मांग। और ऐसे राम के नारे लगाए जा रहे हैं जिन्होंने इतिहास में शंभु सृष्टि जैसे महाज्ञानी, महा अद्भुत तर्कशील व्यक्ति की हत्या कर दी थी, और जिसने बाली जैसे महाबलवान महाशक्तिशाली व्यक्ति की चुपके से निर्मम हत्या कर दी। ऐसे व्यक्ति का संसद में जयकारा लगाया जा रहा है। अरे, जब संसद में धर्म का ही राग छेड़ना था तो स्पीकर के बगल में सिंगोल तो लगा ही दिए थे, फिर संसद को राज दरबार घोषित कर देते और रोज वहां पे धर्म की पंचायतें लगाते। दोस्तों, जिनको लगता है कि बीजेपी वाले संसद में कभी देश के समस्याओं पर बात करेंगे, देश के मुद्दों पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें ऐसी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि पहले दिन ही संसद में भाजपाइयों ने धर्म की मां बहने कर दी है, अब 5 सालों तक उसी धर्म के सपाट को मलते रहेंगे, बाकी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे गए तेल लेने। पेपर लीक करने वाले गिरोह देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना जैसे शैतान देश के महिलाओं के साथ रेप करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर देश के भविष्य को जमींदोज कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने की वजह संसद को धर्मशाला बनाकर वहां धर्म की मां बहने कर रहे हो।